टॉप 20 न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय वाल्के हैप्पी होम्स। नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज के टॉप 20 में मैं हूँ आपके साथ भाग्यश्री। 2023 के आखिरी दिन देश भर में लोगों ने जश्न मनाकर नए साल 2024 का स्वागत किया। इस मौके पर एक दूसरे को बधाई संदेश भी दी जा रही है। इसी क्रम में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी देशवासियों को बधाई संदेश दिया, लेकिन उनके संदेश में एक इसराइल हमास युद्ध में गाजा के अंदर मारे गए लोगों का भी जिक्र था। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने नए साल की शुरुआत से ठीक पहले कहा कि उनकी पार्टी ने अपनी कार्य केंद्रित राजनीति के लिए लोकप्रियता हासिल की है। हमने जनता की भलाई के लिए जो रास्ता चुना है उस पर आगे बढ़ने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को जेल जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। साल 2024 के पहले दिन यानी 1 जनवरी 2024 को भारतीय शेयर बाजार को मजबूत ओपनिंग नहीं मिल पाई है। हालांकि मिड कैप इंडेक्स की तेजी के दम पर स्टॉक मार्केट में अच्छी तेजी लौटने की उम्मीद बन रही है। आज मार्केट की प्री ओपनिंग में बीएसई का सेंसेक्स 17.50 अंक गिरकर 72,222.76 के लेवल पर था और एनएसई का निफ्टी 5.50 अंकों की मामूली गिरावट के साथ 21,725.90 के लेवल पर बना हुआ था। नए साल का आगाज हो चुका है और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने साल के पहले स्पेस मिशन को लॉन्च कर दिया है। इसरो ने एक्सरे पॉलरीमीटर सैटेलाइट एक्सपोर्टेड मिशन को 1 जनवरी की सुबह 9:10 पर लॉन्च किया। 2023 में चंद्रयान 3 मिशन के जरिए चांद पर पहुंचने और आदित्य L1 मिशन के जरिए सूर्य तक सफर की शुरुआत के बाद इसरो ने इस साल स्पेस सेक्टर में अपना पहला कदम बढ़ाया है। दिल्ली में आज हल्की धुंध बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहने की उम्मीद है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बताया है कि आज वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में है। आज से विश्व हिंदू परिषद के अक्षत कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। भगवान श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए आज से 15 दिवसीय राष्ट्रव्यापी अक्षत निमंत्रण महाअभियान प्रारंभ होने वाला है। इस अभियान की सफलता हेतु भगवान का आह्वान करने के लिए आर्य समाज मंदिर ईस्ट ऑफ कैलाश नई दिल्ली में एक श्री राम मंदिर महायज्ञ का आयोजन किया गया है। दिल्ली बीजेपी आज से 15 जनवरी तक राम मंदिर उद्घाटन से पहले अभियान चलाएगी, घर घर जाकर निमंत्रण देगी। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले संघ की ओर से एक बड़ी अपील की गई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य और संघ के जाने माने नाम इंद्रेश कुमार ने मुस्लिम समुदाय से यह अपील की है कि वे राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दिन मस्जिद दरगाह और मदरसों से श्री राम जय राम जय राम जय जय राम का जाप करें। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने रविवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जनवरी को देश के सबसे लंबे समुद्री पुल मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुंबई के सेवरी और रायगढ़ जिले के नावा शेवा क्षेत्र के बीच 21.8 किलोमीटर लंबे पुल के उद्घाटन के बाद यात्रा में केवल 15 से 20 का समय लगेगा, जिसमें अभी 2 घंटे का समय लगता है। मुंबई पुलिस की अपराध शाखा के एक अधिकारी ने मादक पदार्थ तस्कर को पकड़ने के लिए फूड डिलीवरी एजेंट बनकर कार्रवाई की और शहर के उपनगर जोगेश्वरी से 10 लाख रुपए मूल्य का मेफेड्रोन जब्त कर लिया। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नम कुरुमेदेव सर्व कार्येषु सर्वदा। हिंदू धर्म में मान्यता है कि किसी भी शुभ कार्य के आरंभ से पहले गणपति का आशीर्वाद देना बेहद आवश्यक है। ऐसे में नए साल की शुरुआत के साथ मुंबई में सिद्धि विनायक जी के दर्शन के लिए हजारों भक्तों का हुजूम जुटा। 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, जिसको लेकर पहले राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में निमंत्रण को लेकर सियासी संग्राम देखने को मिला था। वहीं अब 22 जनवरी को घर घर में राम ज्योति जलाने की बीजेपी के आह्वान पर फिर राजनीति शुरू हो गई है। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने इस प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि घर घर में राम ज्योति जलाने के लिए बीजेपी की जरूरत नहीं है। राम इस देश की अस्मिता और संस्कृति है, राम पूरे देश और विश्व के हैं। महाराष्ट्र में हर दिन कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र में रविवार को 131 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही एक्टिव केस की संख्या राज्य में 701 हो गई है, जिसमें चिंता बढ़ा दी है। वहीं जेन 1 वेरिएंट के भी मामले बढ़ गए हैं, जो कि बढ़कर 29 हो गए हैं।
महाराष्ट्र में शीतलहर के प्रकोप से ठंड का कहर बढ़ता जा रहा है। इसी बीच मौसम विभाग ने एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने की संभावना जताई है, जिसकी वजह से 48 घंटों के अंदर प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर बारिश की संभावना है। अगर बारिश होती है तो तापमान में गिरावट आने से ठंड और पड़ने वाली है। महाराष्ट्र के संभाजीनगर जिले से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है। यहाँ पर एक ग्लव्स बनाने वाली फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई, जिसकी चपेट में आने से 6 मजदूर जिंदा जल गए हैं। इस हादसे में सभी 6 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 4 श्रमिक खुद की जान बचा सके। बताया जा रहा है कि घटना वालाज औद्योगिक क्षेत्र में हैंड ग्लव्स बनाने वाली कंपनी सनशाइन इंटरप्राइजेस में हुई है। महाराष्ट्र से इंडिया अलायंस के अहम गठबंधन में चल रही सियासी बयानबाजी की हर तरफ चर्चा है। कांग्रेस और ठाकरे गुट के शिवसेना के नेताओं के बीच पिछले दिनों सीट शेयरिंग को लेकर तीखी बयानबाजी देखने को मिली। वहीं इन तमाम चर्चाओं के बीच महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने शनिवार को कहा कि वह ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे महाविकास आघाड़ी गठबंधन को कोई नुकसान पहुंचे। मुंबई के पुलिस आयुक्त विवेक फंसलकर नए डीजी की नियुक्ति होने तक कार्यवाहक डीजी के तौर पर काम करेंगे। वही डीजी रैंक की महाराष्ट्र कैडर के सीनियर आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला को डीजी बनाए जाने का मामला किन्हीं कारणों से फिर टल गया है। ठाणे में एक निजी प्लॉट में चल रही पार्टी पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए करीब 100 लोगों को हिरासत में लिया है। इस रेव पार्टी में नशे में धुत युवकों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। इस पार्टी में एमडी चरस, गांजा, शराब जैसे कई तरह के ड्रग्स की सप्लाई की गई थी। पिछले साल बॉलीवुड की कई हस्तियों ने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया था। आलिया से लेकर अनन्या पांडे तक के नए अपार्टमेंट खरीदे। वहीं अब इस लिस्ट में पठान एक्टर जॉन अब्राहम भी शामिल हो गए हैं। जॉन अब्राहम ने मुंबई के लिंकिंग रोड खार पर एक बंगले की डील फाइनल कर ली है। उन्होंने 75 करोड़ रुपए में नई प्रॉपर्टी खरीदी है। पूरे वर्ल्ड ने बीते दिन साल 2023 को अलविदा कह दिया और इसी के साथ नए साल का जोश के साथ स्वागत भी किया। बॉलीवुड के तमाम सेलेब्स ने भी नए साल का गर्मजोशी के साथ वेलकम किया। वहीं बेटाओं की मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेस करीना कपूर खान ने भी अपने पति सैफ और दोनों बेटों तैमूर और जय संग नए साल का जश्न मनाया। एक्ट्रेस ने इसकी झलक भी अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर शेयर की है। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिए NBC News। नमस्कार।